रहते हो जहाँ। अब वॉक करके मेरी तरफ आना, जस्ट कम टुवर्ड्स मी, और जरा जरा लहरा के चला गया पल्लू। नाइस, परफेक्ट, यू मेक द परफेक्ट कपल। असद जोया, ये है पम्मी चोपड़ा, बहुत बड़ी वेडिंग प्लानर है। हाय जोया, एक मिनट, जस्ट स्टे हियर, एक लेफ्ट में जाइए, राइट नाउ वॉक टुवर्ड्स मी, आप मेरी तरफ आइए। जोया एक मिनट, ऐसा लहरा के, एक्सीलेंट, नाइस, यू आर लाइक द परफेक्ट कपल। यहीं से बोल देना। इधर से बोल। तेरे को बोलियो दे दूँ प्लीज। आपने मेरा इंट्रोडक्शन ना बहुत गलत दिया। मैं सिर्फ एक वेडिंग प्लानर नहीं हूँ, ओके? आई एम लाइक द बेस्ट एंड द बिगेस्ट इवेंट मैनेजर। भोपाल से लेके कनाडा तक की सबसे बेस्ट इवेंट मैनेजर में। सो प्लीज। परफेक्ट। अब मेरी तरह चल के दिखाइए। मेरी तरफ आइए जो है, थोड़ा लहरा के ऐसे, थोड़ा पल्लू। ओके ओके, अलवा ना, अब वॉक करो, मेरी तरफ आओ जो है, थोड़ा लहरा के, थोड़ा ऐसे, यू नो। ओके ओके, अलू, वाओ सो क्यूट। नाइस नाइस, परफेक्ट कपल। ये मार्क पीछे, ये मार्क पीछे, अपने मार्क पीछे, ये मार्क लेना पीछे से आके। नाइस, परफेक्ट कपल बोल रहा हूं। अब वॉक करो, मेरी तरफ आओ थोड़ा थोड़ा ऐसे लहरा के, यू नो, लाइक दिस। ओके ओके, आई डू। Nice, nice, perfect couple. Miss the Hello, तुम नहीं, it's okay. Okay, net. Let's come on, man. Keep जोर से. Okay. Cross पकड़ना पड़े, cross. अच्छा से देना. और cross. Feel that you are waiting. Yeah. Shop order. Order? हाँ. कनाडा से भोपाल, भोपाल से कनाडा तक वहाँ चाहिए. वो लाइन. Order. और अगले net, net अगले. रोलिंग। सब कुछ बड़ा करूंगी, बड़े पंडाल, बड़े फ्लावर्स के अरेंजमेंट, ये वो कर्टन्स लगाएंगे, ये करेंगे, फ्लावर अरेंजमेंट होगा, वाटर स्प्रेड होंगे, फ्लोटिंग कैंडल्स होंगे, वहाँ पे वाटर पे डक्स तैरे होंगे। सॉरी, अरे अरे कैसे रिएक्ट कर, चलो ना, ये तो नेट पे ध्यान देना, तुम एक्टिंग देखते रहे, नेट अंदर बाहर आता है। राइट से हवा चलेगी, फिर लेफ्ट से हवा चलेगी। वैसे देखा 4-5 जैसे शॉकर्स में बड़े। ओके ओके ओके, एक्शन एक्शन, यू नो, इस शादी में सब कुछ बड़ा होगा, बड़े पंडाल, बड़े फ्लावर अरेंजमेंट, बड़े वाटरफॉल्स एंड बड़े कर्टन्स, बड़े बड़े। प्लीज इनके कपड़े इनके साइज के रहने दीजिएगा। Sorry, but it's not your fault. It's my fault. I'm sorry. Keep it going. Shut up. The entry RK भी से लेंगे। किस बात पे हंस रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं, वो ऐसे। Hey, naughty people, you go there. स्टेज पर आग ही आग होगा। दूल्हा उसमें से निकल कर दुल्हन के हाथ पकड़ेगा। चारों तरफ आग के लपटे होंगे, बीच में से दूल्हा और दुल्हन। वो इन दोनों का लव फायर सिंबल होगा। वो इन दोनों का लव फायर सिंबल है। सॉरी, दो बार। अभी अभी टू शो करना। हाँ, रेडी, इधर ही करना सर। हाँ, रोलिंग, सॉफ्ट नेट, रोलिंग। आई थिंक आपको ये फायर वाला आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि मिस फॉलोइंग को अच्छा नहीं लगा। जो है डरने की बात नहीं है, सब कुछ सुपर सेफ होगा। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कैसे? एक केमिकल सॉल्यूशन है जिसे लगाने से बड़ा उसमें आग नहीं लगता। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको आग नहीं लगती। मैं एक मिनट में आती हूँ। ओफो, मुझे बस मैं अभी आती हूँ। चलो भाई चलो, मैं अभी आती हूँ। So cute। असद, तुम तो कहते जो है को आग का आइडिया पसंद नहीं आएगा, पर वो तो इतनी एक्साइटेड हो गई उस आइडिया को लेकर। देखो एक आग वाला आइडिया ना, उसका दोनों का सोलो। रेडी? दो फ्लैश। बताइए, फाइनली शादी की तैयारी अब शुरू हो रही है, तो पूरा सीन क्या था? बहुत ही फनी सीक्वेंस था। शादी की तैयारियां अभी थोड़ी शुरू हो रही हैं। शादी की तैयारियां तो कैसे हो रही हैं? हाँ, कुछ एक महीना हो गया। हाँ, रॉन्ग क्वेश्चन। नहीं, लेकिन फाइनली अब शादी, वो तो मंगनी की थी, संगीत की थी। नहीं, वो सारी शादी की तैयारी थी। सारी रस्में जो होती है वो शादी की ही होती है। शादी की तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही है। तो आज सीक्वेंस क्या था, अगर थोड़ा सा हमें बताएं? काफ़ी फनी सा था। असद घूर रहे थे आपको जब आप लहरा समथिंग न्यू। असद घूर रहे थे, ये तो डे वन से ही कर रहे हैं। क्या हो रहा था कि ना वेडिंग प्लानर आई थी, वो कह रही है कि मतलब वो बेस्ट इवेंट मैनेजर है और वो वेडिंग प्लानर है और ये सब कुछ। बहुत एंजॉय किया मैंने वो सीन। वो कुछ तो ऐसे चल के दिखा रही थी, फिर मैं भी चल के दिखा रही थी, तो बहुत अच्छा सीन था। असद क्या कहना चाहेंगे? असद हमेशा की तरह गुस्से में थे और वक्त जाया करने के जरिए जो भी करना होता है निकाल, जब भी थोड़ा बहुत जल्दी कर देना चाहिए। वैसे भी कुछ बोल तो पता नहीं हो सकता, तो इससे पहले वो कुछ बोल दे शादी वादी कर देनी चाहिए अभी। बट वो हो नहीं सकता क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन फंक्शन है और इसमें बहुत सारे और चीज़ें बाकी हैं। तो अभी हमारे पास एक वेडिंग प्लानर आई है जो कि बहुत बोल तो पता नहीं हो सकता, तो इससे पहले वो कुछ बोल दे शादी वादी कर देनी चाहिए अभी। बट वो हो नहीं सकता क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन फंक्शन है और इसमें बहुत सारे और चीज़ें बाकी हैं। तो अभी हमारे पास एक वेडिंग प्लानर आई है जो कि बहुत फनी है और बहुत लाउड है। एक चीज़ आप सुन के डर गए, वो आग में से कुछ दूल्हा दुल्हन को आना है, वो कितना क्या? हाँ, वो हमने कैंसिल करवा दिया। मुझे आग से बहुत डर लगता है। हाँ, क्योंकि जोया को आग से डर लगता है और मुझे पता है कि जोया को आग से डर लगता है, इसलिए हमने वो कैंसिल किया। अच्छा, इसके अलावा जोया ने एक और गलती कहेंगे या पता नहीं क्या, मिनी स्कर्ट में आ गई सबके सामने, और वो सीन अगर थोड़ा बता। गलती वलती नहीं थी। मिस्टर खान को कुछ ठीक नहीं लगता, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें क्या ठीक लगता है क्या गलत लगता है। मुझे वो ठीक लगता है, मैंने पहन लिया। और मिस्टर खान की तो वैसे भी कुछ तहजीब को लेके और यू नो कल्चर को लेके कुछ अजीब सी सोच है। अजीब सोच नहीं है, मेरा मानना ये है कि जो कपड़े हैं वो पहनने के लिए होते हैं और जो रुमाल होते हैं वो पॉकेट में रखने के लिए होते हैं। तो रुमाल के साइज़ के कपड़े ना पहने जाए, क्योंकि उससे ऐसे नहीं लगता कि हम लोग तहजीब वाले खानदान से। इनकी मम्मी सिलाई करती रही है, दैट डजंट मीन कि इन्हें भी मेजरमेंट का पूरा ध्यान होगा। ये बिल्कुल रुमाल जितनी ड्रेस नहीं थी, बहुत अच्छी क्यूट सी स्कर्ट पहनी हुई थी मैंने। इनको ऐसे फालतू बचपन जाता है। हाँ, नहीं लेकिन क्यों ऐसा, मतलब जीन्स तो पहनती है। वैसे रजमा ने बोला आप स्कर्ट पहनते थे, मैंने कहा हाँ हम पहनती थी। नहीं, मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि मौलवी जी आ गए थे। हाँ, मौलवी जी बेसिकली जो है हमारी गलती नहीं थी, वो मौलवी जी आ गए थे, तो मौलवी जी के सामने रुमाल पहन के ना जाए। हाँ, उनका रिएक्शन कैसा होता है? देखा नहीं होगा, मौलवी जी की दाढ़ी ऐसे होगी। और असद का रिएक्शन कैसा था? वैसे तो डांट रहे थे, लेकिन रियल में असद क्या फील कर रहे थे? नहीं, तो बहुत अच्छी लगी थी। इतनी अच्छी लगी थी कि मैं चाहता हूँ कि वो फिर स्कर्ट पहने ना पड़े, लेकिन मौलवी जी के सामने। हाँ, मौलवी जी के सामने। वैसे घर पे आपको जो करना था। हाँ, okay, thank you so much. Thank you. Bye.